नाउ वी विल डिस्कस विद डाग्राम यू कैन सी बच्चे आप देख सकते हो जितने भी सी बॉडीज़ हैं और सी और रिवर ये जो सारे जो पानी है सूरज की रोशनी से गर्म होकर इवापरेट होते हैं यानी इवापरेशन के द्वारा और ट्रांसपीरेशन के द्वारा ये हवा में ऊपर जाते हैं और जब वो और हायर पहुंचते हैं तो दे, दे बिकम्स कूलर और जैसे ही वो ठंडे हो जाते हैं दे कन्वर्ट इन टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ अनदर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दे बिकम हैवियर और जैसे जैसे ये आपस में मिलते हैं वो काफ़ी बड़े बादल का रूप ले लेते हैं और जैसे ही ये बादल काफ़ी हैवी हो जाते हैं दे कम्स बैक डाउन ऑन कूलिंग जब वो और भी ज़्यादा ठंडे होते हैं तो दे कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड फिर रेन वाटर जो है फिर नदी नदियाँ तालाबों में आता है समुद्र में आता है फिर ये होता है और ट्रांसप्रेशन के द्वारा वाटर वेपर जो है हवा में जाता है और देन इट आ, बिकम क्लाउड तो ऐसे जो चक्र है दर, वो चलता ही रहता है इस फॉर्म को हम बच्चों कहते हैं वाटर साइकिल द कंटिन्यूस मूमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स इस कॉल्ड

हॉट एयर होता है वो कूल एयर cool की अपेक्षा काफ़ी हल्का होता है और हल्का हो, होने लाइट होने की वजह से वो हवा में ऊपर एटमोसफियर में उड़ जाता है द एंड ट्रीज अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट्स द प्लांट्स एंड ट्रीज लूसेज वाटर एज वाटर वेपर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोरेशन यानी एवोपरेशन और ट्रांसपरेशन के द्वारा पानी जो है इवापोरेट होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और दिस वाटर वेपर गोस इन टू द एयर after that the air containing water vapor is heated by the sun and hot air being lighter rises high in the sky it is cold at high altitude in the sky so when the air containing water vapor rises to high altitude the water vapor present in it and get cooled the cold water vapor condenses to form a tiny droplets of water and these tiny droplets of water from clouds in the sky द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ़ यानी कि बच्चों जो वाटर वेपर है ट्रांसपरेशन और ट्रांसप्रेशन पौधों के ट्रांसप्रेशन के द्वारा और पानी का जो इवोपोरेशन होता है उसके द्वारा पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और जैसे जैसे वो हाइयर एटमॉस्फेयर में पहुँचता है इट बिकम्स कूलर एंड इट चेंजेस इन टू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी कि ये पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और ये पानी की छोटी छोटी जो बूंदें हैं दे जॉइन टुगेदर यानी वो आपस में जुड़कर एक बड़ी बूंद यानी कि बड़ी बूंद में बदल जाता है एंड एट लास्ट इट बिकम अ क्लाउड और जब ये क्लाउड बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं यानी ठंडे हो जाते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीज एकदम फ्रीज हो जाएंगे तो दे फॉल लाइक अ स्नो यानी कि वो बर्फ़ के रूप में पृथ्वी पर पड़ते हैं और अगर काफ़ी ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं तो उस समय वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर पड़ते हैं दे नेक्स्ट वाटर इज़ फॉर्म बाय द मेल्टिंग स्नो सम ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इन द रिवर फाइनली गोज़ इन द ओशियन यानी कि जो भी हिमखंड जो पिघलते हैं बर्फ माउंटेन जो माउंटेन पे जो बर्फ होती है वो पिघलती है फिर वो बारिश के अरे सॉरी रिवर के रूप में वो जाकर समुद्र में मिलती है और फाइनली गोज़ इन टू द ओशियन एंड देन रेन वाटर ऑल्सो फिल्स द लेक् पॉन्ट केट ऑब्जॉर्व बाई दॉयल सम ऑफ़ द रेन वाटर सिप्स थ्रू द साइल एंड गोज़ अंडर द ग्राउंड यानी कि बारिश होती है तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश का जो कुछ पानी है मिट्टी उसे ऑब्जर्व कर लेती है तो वे डज दिस वाटर गोस तो बच्चों ये वाटर जो है वो पृथ्वी के नीचे जाता है और वहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं आपने सॉयल के लेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि दर इज़ टॉप सॉयल सब सॉइल एंड बेड रॉक तो नीचे जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में ये पानी इकट्ठा हो जाते हैं और इस पानी को हम ट्यूबवेल well के द्वारा या वेल well के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं इन दिस वे वॉटर विच हैज विच वॉज टेकन फ्राम द अर्थ रिटर्न टू द अर्थ एंड हिन्स द वाटर साइकिल इज़ कम्प्लीटेड यानी कि पानी जो भी पानी रिवर और तालाब या फिर ओशियन से एवपोरेट होकर दोबारा बारिश के रूप में हमें दोबारा रिटर्न मिलता है तो इस प्रकार ये साइकिल जो है वाटर का जो साइकिल है वो रिपीटेड यानी कंटिन्यूसली चलता रहता है इसीलिए पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं होती है अदरवाइज़ बच्चों आप सोच सकते हैं कि अगर दोबारा पानी हमें नहीं मिलता तो इतना पानी कहाँ से पृथ्वी पर आता है ना वंस अगेन द वाटर इपरेट्स एंड वाटर साइकिल रिपीटेड एंड द एक्योरेंस ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट्स वाई इट इज सेड दैट द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल एंड द वाटर साइकिल नेवर एंड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज देयर इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर वाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर वाटर साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इज इट इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी रीजन्स आई विल टेल यू वन बाई वन वाटर साइकिल मेक्स द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेन यानी कि बच्चों जो बारिश का जो पानी होता है बारिश का पानी नदियों से बहते हुए जाकर वो समुद्र में गिर जाता है और समुद्र का वाटर जो होता है सलाइन होता है इट इज़ सॉल्टी होता है इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और इवन फॉर एनी एनी अदर वर्क सो समुद्र का पानी जब विवापरेट होता है तो उस समय उस उस समय क्या होता है इन इन दैट केस कि पानी जो है सिर्फ पानी एवपोरेट होता है उसके अंदर जो सॉल्ट है वो इवापरेट नहीं होता तो इस प्रकार जो पानी इवापरेट होता है और बारिश के रूप में दोबारा पृथ्वी पर गिरता है तो इस प्रकार वाटर uh, साइकिल जो क्या करता है वो इस सलाइन वाटर को भी फ्रेश करके हमें दोबारा से पानी को अवेलेबल कराता है सो इट इज सेट दैट वाटर साइकिल मेक्स द फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेन सी वाटर इज़ हाईली सॉल्टी विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एग्जैक्टली बच्चों जो मैंने अभी बताया दैट इज़ दर not fit for drinking by animals for growth of plants but rain water, evaporation rain water from sea water sorry but the rain water formed from sea water by the evaporation followed by the condensation is pure water so इस प्रकार बच्चों की जो समुद्र का पानी भी है हम इसको दोबारा से reuse भी कर सकते हैं तो इस प्रकार water cycle पानी को fresh करने में भी अपनी भूमिका निभाता है सॉरी चिल्ड्रेन ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया है, है। वाटर साइकिल कीप्स वाटर साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट यानी कि पृथ्वी पर जो वाटर की मात्रा है उसे कांस्टेंट रखने में वाटर साइकिल का साइकिल का बहुत बड़ा योगदान है जिस प्रकार बच्चों एयर का बैलेंस होता है ठीक वैसे ही हर चीज़ का बैलेंस होता है इवन इट इज एनिमल्स प्लांट्स और एटमॉस्फेयर में हम ले लेते हैं बहुत सारे अगर एयर भी है तो अगर वो बैलेंस नहीं रहेंगे तो देन इट विल कॉज पॉल्यूशंस एक्सेट्रा मेनी मोर प्रॉब्लम्स तो ठीक वैसे ही अगर वाटर का बैलेंस पृथ्वी पर नहीं बना रहेगा तो इट विल बी मोर हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स